हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लिसनिंग के आंसर्स लेकर आया हूं जो आपका आज एग्जाम हुआ है। पार्ट वन में आपके वन वर्ड टाइप ब्लैंक्स थी, जिनके आंसर हैं फार्म, मैपल, फीडिंग 7890134578, उसके बाद डिजीजेस 24 अक्टूबर, गार्डन एंड 10th का था मीडियम। दो आंसर इसमें मिसिंग है, तो जो भी आपको याद हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पार्ट टू में आपके MCQ एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन थे, CABD BED, और तीन ब्लैंक्स थी आपकी लास्ट में, मिक्स्ड, 12 एंड कलर। सो ये है आपके पार्ट टू के आंसर। पार्ट थ्री में 21 to 25 ही पता चले थे, BBACB, जो आपके लॉन्ग MCQs होते हैं। मैचिंग टाइप के अगर आपको याद हो तो आप लिख दीजिएगा। पार्ट फोर अगेन आपका टू वर्ड टाइप ब्लैंक्स थी, जिनके आंसर हैं 31st का है विंड, देन 1/3 वेदर, एमरजेंसी, वाटर, पावर, एक्स्ट्रा, स्क्रीन, स्टेशन एंड 40th का स्मार्ट। सो ये हैं आपके लिसनिंग के आंसर। कोई आपको डिस्क्रिपेंसी लगे, कोई आंसर मिसिंग लगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। रीडिंग के आंसर आपके लिए ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज के एग्जाम में राइटिंग प्रिडिक्शन इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हिट रही। ये वाला सेम टास्क जो आपको ऑस्ट्रेलिया में पेपर बेस्ड एग्जाम में देखने को मिला, डिस्कस बोथ विज गिवर ओपिनियन ट्रेडिशन वाला, और ये मुझे स्टूडेंट ने ही बताया था जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम दिया है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प रही आज के एग्जाम में, उन्होंने राइटिंग टास्क कर रखा था ऑस्ट्रेलिया में। सो IDP ऐसे ही करता है, पास्ट एग्जाम मटेरियल को वो डिफरेंट कंट्रीज में शफल करता रहता है। इस बार इंडिया में नहीं आया, अगली बार इंडिया में आ जाएगा। सो जिस भी स्टूडेंट को रियल एग्जाम बुक्स चाहिए, जहाँ से बहुत बार एग्जाम रिपीट हो चुका है, इनफैक्ट पिछले 22 में से अगर आप 15 एग्जाम मिनिमम उठा के देखें तो मेरी राइटिंग बुक में से ही आए हैं। टास्क वन टास्क टू दोनों साथ में रिपीट हुए हैं बहुत बार आपके, और मुझे अभी काफ़ी उम्मीद हो गई है कि नेक्स्ट एग्जाम तो आपका इसी में से आने वाला है, राइटिंग टास्क वन एंड टू, बिकॉज काफ़ी टाइम से आ रहा था, स्ट्रीक टूटी है, विनिंग स्ट्रीक हमारी, और लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, लगातार कोई चीज़ नहीं हो सकती। सो ये अच्छा ही हुआ एक तरह से, अब नेक्स्ट दो एग्जाम में आपको बिल्कुल श्योरिटी से आपको इसी बुक में से देखने को मिलेंगे। और आज के एग्जाम में रीडिंग पैसेज 3 मैंने आपको दिखा दिया था, अगर आपको ये चाहिए होगा, आपने इसको एनालाइज करना है तो आप मेरे से ले सकते हैं, आपको किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा ये। यह IDP का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक है जो मेरे पास है, सो आप मेरे से ले सकते हैं। सो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे आपको बुक्स बाय करनी है, या फिर आपको ये वाला पैसे चाहिए, या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करना है मेरी, आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने बैंड्स को, देन यू कैन एनरोल इन माई ऑनलाइन क्लास। रिजल्ट आप देखिए, 8.58 बैंड्स इन रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सैम्पल आंसर और रिजल्ट्स की अपडेट डालता रहता हूँ। मेक श्योर कि आपके लिए मैंने न्यू स्पीकिंग बुक के क्यू कार्ड डालने भी शुरू कर दिए हैं, सो आप इन वीडियोस को भी देखा करें, थोड़ी लंबी वीडियोस हैं बट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने बनाने हैं क्यू कार्ड, फॉलोअप्स के आंसर भी दिए हैं, वोकैबुलरी भी दी है। सो मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को भी देखें। आप प्रेडिक्शन वीडियोस तो देखते हैं, अच्छी बात है, बट ये आपके लिए हेल्पफुल जो वीडियोस बना रहा हूँ इनको भी आप देखा करें। सो मेक श्योर कि आप मेरे दोनों चैनल्स लिसनिंग फॉर आयल्स और मेन चैनल मनमीत्स आयल कम्युनिटी दोनों को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट एग्जाम की प्रेडिक्शन कल ही आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून।